स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत गांवों में निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग भारत सरकार की वेबसाइट पर 80% से कम जियो टैग वाले विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी तथा 55 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम जियो टैग कराना पाया गया है। ऐसे में कार्यों में सहायक विकास अधिकारी ग्राम सचिवों की घोर लापरवाही पाया गया, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन न करने वाले लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के जीरो टॉलरेंस करप्शन नीति के अंतर्गत शौचालय निर्माण में बार बार निर्देशित करने के बावजूद भी सचिव द्वारा शिथिलता बरती जा रही है, जियो टैगिंग नहीं किया जा रहा है, कई बार निर्देश देने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिला, इसलिए सहायक ग्राम विकास अधिकारी व 55 ग्राम पंचायत अधिकारी का वेतन रोका जाता है, इसलिए अधिकारी 10 जून तक जियो टैगिंग का कार्य पूरा किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन के जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और समयबद्ध क्रियान्वयन की नीति के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का अनुसरण किया जा रहा है। शौचालय निर्माण में बार बार निर्देशित करने के बावजूद भी व्यक्तिगत शौचालय निर्माण को पारदर्शितापूर्वक समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के लिए सचिवों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है, जियो टैगिंग नहीं किया जा रहा है और अनेकों बार मीटिंग लेकर निर्देशन देने के बावजूद भी परिणाम नहीं मिले, इसलिए दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई और पहले चरण में उनका वेतन रोका गया है कि जब तक 100% जियो टैग फोटो अपलोड नहीं करेंगे उसका वॉर रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि शौचालय वाकई में बने हैं, उसका उपयोग हो रहा है और निर्धारित कोडिंग के अनुसार उनका अंकन किया गया कि नहीं किया गया, और अगर अभी परिणाम नहीं मिलते हैं तो उसमें और बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। हाँ बिल्कुल।